मैं भी तो जी रहा हूँ, 25 साल हो गए मेरे को, हाथ कटे हुए मेरे, 50 किलो वजन भी उठा लूंगा अपने हाथों, इसी से, इसी हाथ से, हाँ इसी से 50 किलो कुछ तोल के रख दे तो मैं उसे 50 किलो उठा के कमरे पे गिन लूंगा। कष्ट का के कितना भी पड़ जाए लेकिन हंस के जिंदगी गुजारनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है। सत्यपाल जी, दोनों हाथ नहीं है आपके? दोनों हाथ नहीं है, दोनों बिना हाथ के चल जाता है? हाँ, कर लेते हो आप? हाँ, मैं अपने आप खुद ले जाता हूँ। खुद ही लाते हो, खुद ही ले जाते हो? खुद ही लाता हूँ, खुद ही ले जाता हूँ। हाँ। तो हाथ कैसे, ये क्या हो गया आपके साथ? बिजली से, बिजली ने पकड़ लिया था। पंजाब में काम करता था, पंजाब में काम करने के लिए गए थे हम, दोनों आदमी गए थे। तो 11,000 की लेंथ थी, उस पर मैंने कहा था तार घेर दिए तो हार्ट जब ही हो गया मेरा। तो बचपन में ही हो गया था? नहीं, बचपन में शादी हो गई थी मेरी। शादी हो गई थी, शादी के बाद का ये किस्सा? हाँ, हुआ है? शादी के बाद हुआ किस्सा। अच्छा, बच्चे हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। एक लड़का है आपके पास? तो मैं साहब का कहते हैं खुद कमाता हूँ, बीवी बच्चों के ताई का कहते हैं इनसे जो कोई पैसा जुड़ जाता है वो थोड़ा बहुत भेज देता हूँ घर पर। आप ही करते हैं मतलब घर का अभी भी? हाँ, मैं ही करता हूँ। अच्छा, और कोई नहीं करने वाला सबसे बड़ा मैं। तो परिवार में और कोई? और भाई हैं, चार भाई हैं। चार भाई हैं वो। लेकिन वो ये है कि उनकी शादी शुदा हो गई, हमारे माँ बाप थे जब तक तो हमारी सही अच्छी थी, काम चल रहा था, लेकिन माँ बाप हमारे खत्म हो चुके, फिर कोई हमारा सहारा नहीं हुआ, फिर तो हम अपने अकेले कमाना अन्ना धन्ना सब कुछ, सब कुछ हमने किया। कितना कर लेते हैं यहाँ से पूरे दिन में? यहाँ पे कर लेते हैं दो से 400 रुपए कर लेते हैं। 200-400 रुपए डेली के हो जाते हैं? हाँ, डेली के हो जाते हैं। अरे वाह, फिर घर पे भेज देते हो जोड़ के पैसे? हाँ, जोड़ के साहब। यहाँ दिल्ली में आया था मेरी बहन, मेरी बहन भी रहती है यहाँ पे, तो उन्होंने मैंने अभी आए थे यहाँ से खुद रिक्शा लिया, मोल लिया था मैंने। ये मोल लिया है? हाँ, मोल लिया, मुझे नहीं मिला था यहाँ, यहाँ नहीं मिला था, ये लिया था मैंने 3,000 रुपए का लिया था। 3,000 रुपए का? हाँ, और ये पीटी लगी का कहते, ये लगी का कहते 1,300 रुपए की, तब खींच के खिंचवा के नहीं आते तब को करता हूँ उससे काम। अच्छा, तो ये पानी का काम कितने टाइम से कर रहे हैं? पानी का काम पहले तो मैं दुकान लगाता था। दुकान लगाते थे? हाँ, बीड़ी माचिस के लगाता था पहले। अच्छा, तो अब बीड़ी माचिस इस एरिया में सारे में ही बंद है, तो मेरे की मैं क्या गंद फैलाऊं? सही बात है, गंद फैलाऊं, तो मेरे की सर का कहते मैंने ये काम सुना। क्या कहा, गंद फैलाऊं? हाँ, गंद होती है उससे, गुटका बीड़ी से गंद नहीं होती है? बिल्कुल सही बात है, गंद नहीं होती है सर। हाँ, तो मेरे की मैं अपने हाथों को मुझे और नौकेंगे के का कहते हाथ नहीं है तो इस बात का फायदा ले लिया है, फायदा नहीं चाहिए मेरे लिए, दो रोटी चाहिए। तो कैसे मैनेज कर पाते हो आप ये रिक्शा चलाना और लाना ये सब बिना हाथों के, कैसे कर लेते हैं? मैं लेकर आता हूँ, खुद लेकर आता हूँ सर। खुद आते हैं? खुद आता हूँ। बिना दोनों हाथों को चला? हाँ, गैर दोनों हाथों को चलाता हूँ, गैर दोनों हाथों को चलाता हूँ, आपको दिखा दूंगा। नहीं नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मैंने देख लिया जब आप आ रहे थे, लेकिन मैं मतलब बहुत ये अजीब सी बात है कि दोनों हाथ नहीं है और उसके बाद भी आप ये चला लेते हो, इतना मैनेज कर लेते हो, इतना काम भी कर रहे हो, है? तो अकेले जो दैनिक क्रियाएं हैं वो कैसे करते हो? मैं सारा काम कर लेता हूँ अपना, खाना खाना, खाना भी अपने आप खा लेता हूँ, सब कुछ अपने कर, कपड़े भी धो लेता हूँ अपने आप। कपड़े भी धो लेते हैं? कपड़े भी धो लेता हूँ सर, ये ना दोनों हाथ के कपड़े धो लेते हैं। अब जो ही तो करिश्मा है सर, यही तो परमात्मा की लीला है, ये लीला समझ लो। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि लीला ही है। हाँ, कि दोनों हाथ के बावजूद भी आप अपने सारे काम करते हैं। हाँ, कपड़े भी पहन लेता हूँ, कपड़े सब उतार भी देता हूँ, नहा भी, खुद ही, और क्या, नहा भी लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। खाली नेक सपोर्ट करता है चाहिए, एक बंदा बस, खाली थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, हाँ सहारा चाहिए बस थोड़ा सा। वो आपके मित्र जो आप बता रहे थे मंदिर पे? हाँ, हमारे मित्र है, क्या कहते हैं, अलीगढ़ कारल का। अच्छा, वो रहता है मेरे पास। अच्छा, अब वो फोटोग्राफरी कर रहा है, अब वो शाम के लिए। अच्छा, वो फोटोग्राफरी करते हैं और आप पानी बेचते हैं? हाँ, वो मेरे गांव का नहीं है। हाँ, तो मेरे गांव का नहीं है, मेरे गांव तो पमारी है, जिला संभल में, लेकिन वो अलीगढ़ का है। लेकिन फिर भी ऐसे अपने बीच में दोस्ती और बॉन्डिंग है कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती हाँ, है। वैसे जी सारे लोग कर देते हैं, कोई बात होती है तो क्या कहते हैं, अबे पलट गया, रिक्शा पलट गया। अरे हाँ, कब? अभी पलट गया, मैं इसमें वजन भर रहा था, इसमें वजन भर रहा, मैं दो पेटी रखता हूँ इसको रख कर। एक इधर, हाँ इधर रखता हूँ, दो पेटी रखता हूँ और इसमें रख लेता हूँ एक पेटी,
तो इसमें बहुत पेटी भर रही थी, फुल भर रहा था, एक पेटी ऊपर रखी, मैं उतरा तो उछल गया, उछल गया ऊपर के तहत। अच्छा तो इधर ज्यादा वजन हो गया, इधर ज्यादा वजन हो गया, इधर पेटी नहीं थी तो फिर पलट गया, पलट गया सर। रास्ते में भी हो जाता होगा? नहीं रास्ते में नहीं होता, रास्ते में इतना माल रखता नहीं हूँ, फोन करके माल यहीं मंगाता हूँ। अच्छा फोन किसी पे और किसी पे करवा लेता हूँ। तो आपसे मिलके एक बात तो लगी कि सत्यपाल जी के अगर आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर लेगा, सब कुछ कर सकता, सब कुछ, ये धरती पे इतना काम है सब कुछ कर लेगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही, काम इतना है बस करने वाला होना, करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पे हाथ फैलाना, नहीं ये कुछ नहीं, ये परमात्मा ने सब कुछ वो ही बुद्धि देते हैं। सही बात है, काम करने के लिए। अच्छा ज्ञान भी वो ही देते हैं। पानी का आइडिया कैसे आया है? पानी का मैं कहते थे 8 दिन तो मेरे लिए यहाँ पे आए आए हुए हो गए, मेरे लिए घूमता रहा, सारे में देखता रहा, जब मैं सारे में सबनम देखा तो मैंने सोचा, फिर मैं मंदिर गया, भीतर जाकर नहीं फिर वहाँ बैठा, फिर मैं अज्ञात आया अंदर से ही आया, पानी लगा तू चलो छोड़ गए, पानी लगाओ, पानी लगाओ 50 किलो वजन भी उठा लूंगा अपने हाथों, इसी से, इसी हाथ से, हाँ इसी से 50 किलो कुछ तोल के रख दे तो मैं उसे 50 किलो उठा के कमर पे गिर लूंगा, और कमर मेरा शरीर देखोगे तो शरीर कहते फाल्ट ऐसा हुआ है तो बचा नहीं सकता कोई। अच्छा ऐसा फाल्ट हुआ है मेरे से, कितना भी कष्ट पड़ जाए शरीर पे भी, हाथ पैरों पे भी, कष्ट का कहते कितना भी पड़ जाए, लेकिन हंस के जिंदगी गुजारनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर को याद करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, छोटी चीजें तो परेशान हो जाती हैं साहब, परेशानी तो साहब सुख दुख है जी, लेकिन मैं भी तो जी रहा हूँ अपने हाल में, मैं तो खुशी से जी रहा हूँ और खुशी से सब काम करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, सब काम करता हूँ, किसी की मजदूरी नहीं करता हूँ, खुद का काम करता हूँ, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो सर, लेकिन अच्छा करके रहना चाहिए। लेकिन लोगों के जीवन में परेशानी है, परेशानी नहीं समस्या के ताई नहीं गुजारना चाहिए, जो परेशानियां हैं वो कोई नहीं काट सकता है, खुद स्वयं काट सकते हो, अपने आप के ताई खुद स्वयं काट सकते हो। चलिए जिन लोगों के जीवन में परेशानियां हैं छोटी हैं बड़ी है, वैसे अपनी परेशानियां सबको बड़ी लगती हैं, और क्या, लोग कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ, है ना, लेकिन फिर भी अगर परेशानियां अपनी बड़ी लग रही हो, अपने जीवन में टेंशन हो, परेशानियां हो, तो इन भाई साहब को देख, मेरे को देख लो साहब, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि आप मुझे देख कर यहाँ से परेशानी कट जाए थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं भी तो जी रहा हूँ, 25 साल हो गए मेरे को हाथ कटे हुए, मेरे 25 साल पीजीआई अस्पताल में इलाज हुआ था मेरा, यहाँ दिल्ली में होता तो बचता भी नहीं, सही बात है, दिल्ली में होता तो बचता भी नहीं, जैसे घंटा आ नहीं पाता, बहुत बड़ा का कहते हादसा हो गया मेरे साथ। बात मैंने आपसे एक पानी की बोतल ली है, अरे वो कोई बात नहीं, और 20 रुपए, अरे वो कोई बात नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ये भाई साहब मैंने कहा, मैंने भाई साहब पैसे खुले नहीं है, इनके पास भी खुले नहीं थे, तो भाई साहब बोले कि आप ले लो पानी ले लो, कोई बात नहीं, फिर कभी आओ इंडिया गेट घूमने या इधर आना तो दे देना, हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास खुले नहीं थे, और फिर इन्होंने यही कहा कि आपके पास खुले नहीं है ना तो आप ले जाओ बाद में दे जाना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मुझे मैं रुकने पे मजबूर हो गया कि यार बताओ क्या बंदा है, मतलब दोनों हाथ नहीं है और उसके बाद भी हैट्स ऑफ है भाई सत्यपाल जी। हाँ सर, ये मेरे पास खुले नहीं थे, अभी आप पैसे रखिए, मतलब आप मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ पैसे हैं मेरी जेब में जितने थे, इधर अंदर रख दो चैन में, मेरे पास अभी जितने थे, आप तो बताओ फ्री पानी पिला रहे हो, किसी के पास पैसे ना हो तो है, हाँ मैं तो बोल देता हूँ सर, क्या कहते हैं, हाँ इधर सही सर, मैं बोल देता हूँ सर, क्या कहते हैं, किसी पे पैसे नहीं हो तो पी जाओ, पी जाओ, हाँ। जैसे आपने मुझसे बोल दिया, बिल्कुल कोई कोई पी जाओ, और क्या, जो मेरे से बन पड़ा वो ठीक है, जीवन में कभी परेशानी आए कोई दिक्कत आए आपका नंबर मैं ले लेता हूँ, अपना नंबर मैं आपको दे देता हूँ, कभी लगे जैसे तो आप बोल रहे हो कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन वही है ना समय, हाँ समय का क्या पता, मुझे फोन करना, आपका छोटा भाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सही, और अगर दुकान में कुछ सामान बढ़ाना हो तो मैंने एक मुश्त आपको ये पैसे दे दिए, तो आप चाहो तो इसमें और थोड़ा सामान बढ़ा सकते हो, सही, गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू को छोड़ के, नहीं गुटखा बीड़ी, बहुत सारी चीजें होती है आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने जो
है इसमें चिप्स आपकी आराम से आ जाएंगी, आप कर सकते हो, काम कर सकते हो, आराम से अपना काम करो। सही सर, खुश रहो। सही सर। और जितने लोग भी इसको देखें वो भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, और भैया से अगर सीख सकते हो तो कुछ सीख लो, दिलदार भाई साहब है ये। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, दिलदार भैया है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। सही, बहुत बहुत धन्यवाद। सही सर, नमस्कार। नमस्कार जी।